परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क की छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों न हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क फिक्स कर दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल व निर्विवाद बनाने के लिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया था। सरकार का मानना है कि परिवार का मुखिया अपने जीवन काल में ही भाई, पुत्री, बहन, पिता, बहू, पुत्र, पौत्री या आर्थिक व शारीरिक रूप से कमजोर सदस्यों को पारिवारिक संपत्ति दान करना या उसका बंटवारा चाहता है, लेकिन स्टाम्प शुल्क अधिक होने की वजह से रजिस्ट्री से परहेज करता है, तो स्टाम्प शुल्क से बचने के लिए संपत्ति के मालिक की ओर से परिवार के सदस्यों के नाम अक्सर वसीयत लिखी जाती है, लेकिन मुखिया के निधन के बाद वसीयत के अधिकांश मामलों में विवाद होता है। मंत्री के अनुसार अब ऐसे मामलों में कमी आएगी, साथ ही राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण पर शहर में सर्किट रेट का 5% स्टाम्प ड्यूटी, 2% विकास शुल्क तथा 1% निबंधन शुल्क लिया जाता है, जबकि 10,00,000 रुपये तक मूल्य की संपत्ति के हस्तांतरण पर महिलाओं की 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाम्प ड्यूटी 5% है और विकास शुल्क नहीं लगता। इसके अलावा भी परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का लेन देन होता है, जिसमें वास्तव में तो रकम अदा नहीं की जाती, पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना पड़ता है। यह वास्तव में परिवार के एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को दिए जाने वाला दान या गिफ्ट होता है, इस पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगना चाहिए। इसी के मद्देनजर पारिवारिक अचल संपत्ति बंटवारे के दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।